अदालत ने काश ये लिखवा भी लें कि जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शन का वो उसको मानेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर उसको नहीं मानना। खान साहब का काम ही इंतशार फैलाना है और वो उसी को फैला रहे हैं। इस वक्त मुल्की हालात, इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं, आप सबके सामने हैं कि हम किस मुश्किल वक्त के साथ से गुजर रहे हैं, और जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं, इतने मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, इस वजह से वो अपनी सियासत को भी कुर्बान कर रहे हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं खान साहब वाले जो सिर्फ इक्तदार की हवस में अंधे हुए हुए हैं, और उन्होंने खामखा एक इंतशार फैलाने की कोशिश की है। जब वो नहीं थे वहाँ पे, उनकी हुकूमत नहीं थी वफाकी हुकूमत में, आपने देखा तो उस दिन भी उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने की कोशिश की, और फिर ये खामखा उन्होंने पंजाब और केपी असेंबलियाँ तोड़कर एक इंतशार की कैफियत पैदा की जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप देखें कि वो जो जेल भरो तहरीक थी जो पूरी तरह नाकाम हुई, और अब वो डूब मरो तहरीक हो चुकी है, और उससे अब ये भाग गए, और जो कहते थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, आपने देखा कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी ये इन्होंने शुरू किया था, वहाँ से लोग सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते थे और फिर भागते हुए लोगों की भी तस्वीरें आपने देखी। इवन जो लोग गिरफ्तार भी हुए तो वो जमानतें कराते फिर रहे हैं। और खान साहब जब जेल भरो तहरीक की बात कर रहे थे तो सबसे पहले तो लीडर को आना चाहिए, वो खुद अपनी जमानतें करा रहा है। और फिर आपने उस दिन अदालतों में देखा कि जिस तरह इन्होंने एक हमला किया एक बहुत बड़े मॉब के साथ, तो क्या ये दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स जब जाते हैं अदालतों में, क्या उनके साथ इतने लोग नहीं जा सकते? लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून अदालतों का एहतराम करते हैं, उनके लीडर भी पेश होते रहे हैं लेकिन एक मुनासिब तादाद के साथ। तो इस पे अदालतों को एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे जब वकला की तरफ से थोड़ी सी भी कोई बात होती है अदालत के अंदर या वो जो अहाता है, तो वहाँ पे तो फिर उनके ऊपर केसेस दाखिल हो जाते हैं। ये इतना बड़ा वहाँ पे एक्शन हुआ है, मारधाड़ हुई है, इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। सर ये बताइएगा, आप वज़ीर बल्दियात हैं, बल्दियाती इलेक्शन को सर तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन जो नजीब 11 नशस्तों पे वो भी इलेक्शन भी नहीं करा रहे और रिजल्ट भी रोका हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कहते हैं कि फौरी तौर पर इस पर अमल होना चाहिए। ये कराची और हैदराबाद में तो अब हुए ना इलेक्शन, जो हमारे दीगर सिंध के 4 डिवीज़न हैं उसमें तो बहुत पहले इलेक्शन हुए हुए हैं, वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेयरशिप के लिए, चेयरमैनशिप के लिए, और ये उनका आइनी हक है। हमने इलेक्शन कमीशन से बारहा कहा है कि आप फौरी तौर पर बाय इलेक्शन अगर कराने हैं तो ज़रूर कराएं, नहीं तो जो रिज़र्व सीटों के इलेक्शंस हैं और फिर मेयर और चेयरमैन के इलेक्शन हैं वो कराएँ। आप देखें सूबाई असम्बली में जब या कौमी असम्बली में जब अराकीन आते हैं, अगर कोई बाई इलेक्शन रह जाए तो क्या इंतज़ार किया जाता है कि बाई इलेक्शन हो फिर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो? ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ भी मेयर और चेयरमैन का इलेक्शन फौरी होना चाहिए। और मुझे आज, मैं किसी को सुन रहा था, वो जो सोशल मीडिया पे मेयर बने हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो डिले चाहती। वो भाई हम डिले नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, और अददी लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है। आप देखें असेंबली में जिनकी कराची से सिर्फ 1 नशिस्त है वो इतनी सीटें ले जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं होता। और वो पीपल्स पार्टी जिसके 5 MNA और बहुत सारे MPAs हैं और जो इतने अरसे से यहाँ पे खिदमत की जा रही है, उनके लोग अगर जीतते हैं तो उस पर बड़ा ताज्जुब है। अजीब बात है। थक गए होंगे सर, सबको बिठाओ अंदर। हाँ सर, हाँ।